So, in previous lecture, we already discussed example number 4, exercise 2.3. So, today we are going to discuss example number 5 of partition. Done? Chalo. First of all, read the question. Obtain all the zeros of the polynomials fx. Obtain all the zeros of the polynomial fx. 3x to the power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5. If two of its zeros are root 5 by 3 and minus root 5 by 3. These are the two zeros of the polynomials. So, here the highest power is 4. So, we can say 4 zeros are possible. First will be x minus root 5 by 3. And second, because they minus mein hai, to minus minus ka jayega, x plus root 5 by 3. So here we have these two zeros. First we will product this so that we get a polynomial equation which are known as, which is a factor of this fx. So when we multiply xx x square minus root 5 by 3x, now again इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों से करेंगे तो माइनस रूट फाइव बाई थ्री एक्स और प्लस माइनस माइनस फाइव बाई थ्री. नाउ दिस विल बी कैंसिल. सो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव बाई थ्री ओनली लेफ्ट, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव बाई थ्री. तो वन बाई थ्री वी कैन कॉमन इट. सो वी गेट 3x square minus 5. Now, why I am doing this? Like 1 by 3 is common. Reason behind, because polynomial equation, x square coefficient and constant term. But constant term is not in the term of fraction. As well as same for x. X is not in the term of root x, 1 upon x. So that's why we are taking 1 by 3 as a common. Now this is the factor. 3x square minus 5 is a factor of fx. So 3x square minus 5 is a factor. So we divide fx 3x to the power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x ढेरे क्वेश्चन कर लिया आपने, मुझे भी मैसेज किया अब बेटा. मैंने तो अब ये सही एग्जांपल कर चुका हूँ. चलो अब मैंने स्टार्ट करे सॉल्व करा देता हूँ, फिर मुझे बता देना ठीक है. चले सो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे. दिस इज विल बी 3x टू द पावर 4 प्लस जीरो एक्स क्यूब बिकॉज एक्स क्यूब गिवन ही नहीं है और माइनस फाइव एक्स स्क्वायर. नाउ दिस इज 6x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5. फॉर एक्स स्क्वायर ऑलरेडी गिवन है तो हम 2x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो दिस विल बी 6x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर है नहीं तो जीरो एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये आपका माइनस का 10x. व्हेन वी सबट्रैक्ट द इक्वेशन दिस विल बी कैंसिल एंड 3x स्क्वायर माइनस 5. 6 और माइनस 5 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करने पर 3x स्क्वायर माइनस 5 देन रिमाइंडर विल बी 0. नाउ वी फैक्टराइज दिस क्वेश्चन सो दैट वी विल गेट अनदर 20x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1
square plus 2x plus 1. और अनदर फैक्टर हमारा क्या था, 3x square minus 5. तो व्हाट इज दिस, दिस इज x plus 1 का होल स्क्वायर, a square plus b square plus 2ab. So x plus 1 का होल स्क्वायर, देन x is equal to minus 1 एंड दूसरा भी माइनस वन बिकॉज होल स्क्वायर में क्वेश्चन है, तो जो फैक्टर आएंगे वो टू टाइम्स, तो x इक्वल टू माइनस वन है, तो जो फोर होंगे वो फर्स्ट हो गया आपका माइनस रूट फाइव बाई थ्री, सेकेंड हो गया प्लस रूट फाइव बाई थ्री, थर्ड हो गया माइनस वन, फोर्थ हो गया माइनस वन. दिस क्वेश्चन इज सॉल्व. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 6. If two zeros of the polynomial fx, if two zero of the polynomial fx, क्वेश्चन नंबर 6 भी सिंपल है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, तो इसकी जगह हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं. चलिए एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 कह रहा है, ऑन डिवाइडिंग द पॉलीनोमियल fx, ऑन डिवाइडिंग द पॉलीनोमियल fx, x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बाय अ पॉलीनोमियल gx, बाय अ पॉलीनोमियल gx, द क्वोशेंट qx एंड द रिमाइंडर rx, वेयर qx इज x minus 2, where qs is equal to x minus 2 and rx is equal to minus 2x plus 4. Find the polynomial gx by division algorithm theorem. So what is division algorithm theorem? Fx is equal to gx into qx plus rx. So this is the division algorithm theorem. Put the all value of qx, rx in this equation. So, first you fx equal to x to the power 3 minus 3x square plus x plus 2 equal to gx ki value given nahi hai, but qx given hai x minus 2. And what is rx? Rx is minus 2x plus 4. तो प्लस वाली वैल्यू यहाँ पे माइनस हो जाएगी और ये प्रोडक्ट में है तो ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 माइनस माइनस 2x प्लस 4 और डिवाइड बाय ये x माइनस 2 डायरेक्टली मैं पुट कर देता हूँ, इक्वल टू gx, इक्वल टू gx. चलिए थोड़ी स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी, तो व्हेन वी माइनस दिस, तो दिस विल बी x क्यूब, तो कुछ माइनस होगा नहीं, 3x स्क्वायर भी एज इट रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2x और प्लस का x है, 2x प्लस 3x हो जाएगा, ये प्लस का 3x, ये प्लस का 2 है और प्लस माइनस माइनस का 4, तो प्लस का 2 विल बी माइनस 2 डिवाइड बाय x minus 2 equal to gx. Now simply we divide this polynomial by this. So x minus 2, let's space change. So x minus 2 se divide karenge hum remaining. Remaining kya hai? X ki power 3 minus 3x square plus 3x minus 2. Yahan mere paas space nahi hai, yahan likhta hu. ये x से x क्यूब है तो यहाँ x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो दिस विल बी x क्यूब और प्लस माइनस माइनस 2x स्क्वायर, साइन जब चेंज होंगे आपके दिस विल बी कैंसिल, प्लस माइनस माइनस यानी कि माइनस का x स्क्वायर लेफ्ट प्लस 3x और माइनस 2 मैंने अब से निकाल लिया, देन यू मल्टीप्लाई बाई माइनस x बिकॉज x और x विल मेक x स्क्वायर, तो माइनस x स्क्वायर प्लस 2x सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज अगेन, देन दिस विल बी एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू ऑलरेडी मेंशन है कि प्लस वन से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो एक्स माइनस टू विल बी कैंसिल. व्हाट इज दिस, दिस इज लेफ्ट आउट जी एक्स, तो जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर
माइनस एक्स प्लस वन. नाउ एग्जाम्पल नंबर एट. सब अपनी नोट कर क्वेश्चन नंबर एट. आई मीन टू से एग्जाम्पल नंबर एट. वॉट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड. क्वेश्चन है वॉट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 8x4 प्लस 14x³ माइनस 2x² प्लस 7x माइनस 8 सो दैट द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 4x² प्लस 3x माइनस 2. क्लियर. सो बाय डिविजन एल्गोरिदम थ्योरम यू नो दैट एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स. सो वॉट इज रिमाइंडर. वॉट इज द मीनिंग ऑफ रिमाइंडर. रिमाइंडर मीन्स इफ gx is not sufficient to divide fx. If g is not sufficient to divide fx, then remainder will left. तभी remainder बचेगा मेरा. Otherwise remainder बचने के कोई chances ही नहीं है. एक example लेते हैं numerical में. Suppose अगर हम 27, what must be subtracted from 27 so that it is divisible by 5. Simple, आप पहले 5 5 25 लिखेंगे. रिमाइंडर इज 2. 2 इज द एक्सेस वैल्यू इन 27. दैट्स व्हाई ये 5 से फुल्ली डिविजिबल नहीं हुआ. तो यही 2 सबट्रैक्ट कर देंगे जब मैं इसमें से, तो ये नंबर फुल्ली डिविजिबल बाय 5. नाउ डिविजिबल बाय क्या है? 4x² सो डिविजिबल बाय 4x² प्लस 3x माइनस 2. इसमें राइट करना है 8x⁴ प्लस 14. सबट्रैक्टेड का मींस रिमाइंडर नहीं बचे, तो हम कहेंगे सब्ट्रैक्टेड 0, फुल्ली डिविजिबल. अगर मेरा रिमाइंडर लेफ्ट आउट हो रहा है तो आप कहेंगे रिमाइंडर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एफ एक्स. चलिए स्टार्ट करते हैं. सो ये 8x⁴ है. अब मुझे इतना बेसिक तो है, प्रीवियस सारे आप लेक्चर में देख चुके हैं. 2x² से मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करूंगा. मैं मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करता हूँ, स्टेप बाय स्टेप नहीं करा रहा हूँ. 8x⁴ प्रॉब्लम हो तो प्रीवियस लेक्चर बार फिर से देख लेना. फिर माइनस 4x² सो प्लस माइनस चेंज होंगे, माइनस माइनस प्लस, दिस विल बी कैंसिल आउट. 4 और 16 का आपका 8x³ हो जाएगा प्लस 2x² प्लस 7x माइनस 8. नाउ 8x³ करने के 4 2 जा 8, यानी कि मुझे प्लस 2x से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी. तो ये मेरा हो जाएगा 8x³ प्लस 6x² माइनस 4x. ये माइनस माइनस प्लस, दिस विल बी कैंसिल नाउ. माइनस 4x² प्लस 11x माइनस 8. 4x² के लिए 4x तो ऑलरेडी होंगे प्लस 1 से करने, सॉरी माइनस का 4 है तो माइनस 1, मैं से कट कर रहा हूँ माइनस 1. माइनस 4x² माइनस 3x प्लस 2. जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो चलेगा 14x माइनस 10. तो दिस इज अ रिमाइंडर. रिमाइंडर इज व्हाट? रिमाइंडर इज द एक्सेस वैल्यू. अगर ये एक्सेस वैल्यू मैं इसमें सब्ट्रैक्ट कर दूं देन द आंसर, तो यू कैन से 14x माइनस 10 विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम fx, देन ये fx डिविजिबल बाय 4x² प्लस 3x माइनस 2. चाहे मैं लैंग्वेज में बताता हूं, व्हेन 14x माइनस 10 विल बी सब्ट्रैक्टेड from polynomial equation fx, और fx का वैल्यू लिख लेंगे आप पूरी, fx equal to that is divisible by 4x² plus 3x minus 2, then it is divisible by this. Now example number 9. Now take let's example number 9. Find the value of a and b. Find the value of a and b so that x to the power 4
प्लस एक्स टू द पावर थ्री प्लस एट एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज डिविजिबल बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन. सिंपली डिविजिबल बाई मीन्स रिमाइंडर जो आएगा वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. अब मुझे ए और बी की वैल्यू निकालनी है तो जो भी रिमाइंडर होएगा उसकी मैं इससे कंपैरिजन करके वैल्यू निकाल सकता हूँ. सिंपल फंडा ये कहता है रिमाइंडर विल बी सब्ट्रैक्टेड और ए और बी की वैल्यू चाहिए तो रिमाइंडर को ए एक्स प्लस बी से कंपेरिजन करके ए और बी की वैल्यू मैं फाइंड कर लूंगा. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन से मुझे एक्स की पावर फोर प्लस एक्स क्यूब प्लस एट एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी को सब्ट्रैक्ट करना होगा. तो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर स्क्वायर एक्स की पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस कैंसिल आउट एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स एंड प्लस बी. एक्स क्यूब है या एक्स स्क्वायर है प्लस के एक्स से मल्टीप्लाई करने पर रहेगा सॉरी प्लस नहीं माइनस से करना पड़ेगा ताकि ये हाँ ठीक है प्लस का आ जाएगा माइनस कैंसिल हो जाएगा बाद में. और प्लस 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 एक्स माइनस माइनस कैंसिल आउट सेवन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स यहाँ कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा ए माइनस वन प्लस बी. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया चाहे तो देख लीजिए ए एक्स माइनस एक्स सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता था एक्स से ऐसी कॉमन लिया ए माइनस वन ए माइनस वन प्लस बी. अब सेवन एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर तो है ऑलरेडी तो प्लस सेवन से मल्टीप्लाई कर दें लास्ट में आ जाएगा सेवन एक्स स्क्वायर प्लस सेवन. चलिए सब्ट्रैक्ट किया व्हाट इज द रिमाइंडर रिमाइंडर इज एक्स ए माइनस वन प्लस बी माइनस सेवन. तो दिस नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस सो दैट इज डिविजिबल बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन. बट मेरा ये नहीं है मेरे क्या करना है एक्स ए माइनस वन मुझे सब्ट्रैक्ट करना है तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए. यू कैन ऑल्सो से कि ये रिमाइंडर मस्ट बी इक्वल टू जीरो. व्हेन रिमाइंडर इज जीरो देन दिस नंबर इज डिविजिबल बाय दिस नंबर. सो चलिए इसको जीरो मैंने इक्वल रख दिया यहाँ से आपका जाएगा एक्स. अब देखिए कंपैरिजन कैसे करते हैं एक्स का कोफिशियंट ए माइनस वन प्लस ये तो मेरे विदाउट एक्स है तो आप कह सकते हैं जीरो एक्स प्लस जीरो जीरो एक्स इज फॉर टू कंपेयर विद एक्स. नाउ यू कैन से ए माइनस वन इक्वल टू जीरो एंड बी माइनस सेवन इक्वल टू जीरो देन ए इज प्लस वन एंड बी इज प्लस सेवन दिस विल बी योर. अगेन रिपीट कर देता हूँ डिविजिबल बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन करना था तो हमने फर्स्ट कहा कि एक्स स्क्वायर माइ प्लस वन से तो डिविजिबल करके था मे बी वो फुली डिविजिबल होता तो हमारा रिमाइंडर आएगा. अच्छा फुली डिविजिबल का मीन्स क्या होता है डिविजिबल बाई दिस का मतलब रिमाइंडर मस्ट बी जीरो तभी हम कहेंगे डिविजिबल बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन. सो द रिमाइंडर इज इक्वल टू जीरो पुट दिस हियर रिमाइंडर इज इक्वल टू जीरो. नाउ दिस इज एक्स कोफिशिएंट and this is constant term. Constant term तो zero के equal है. Coefficient term कैसे लेंगे तो हम coefficient zero तो zero तो zero x ले लिया मैंने zero x plus zero. तो zero x मतलब x का coefficient क्या है a minus one तो a minus one will be zero और constant क्या है वो भी zero है तो constant term भी b minus n equal to zero ले लिया. इससे मुझे a and b की value मिल गई है find out हो गई. Question number 10 भी कुछ इसी की तरह exactly है थोड़ा सा solve करते हैं. Now question number 10. I mean to say example number 10. चलिए start करते हैं. What must be added? पहले दो question subtracted थे अब added किए हैं. To fx equal to 4x की power 4 plus 2x की power 3 minus 2x square plus x minus 1 so that the resulting polynomial divisible by देखिए फिर से fully divisible by कह दिया divisible by
जी एक्स गिवेन है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री, डन। चले स्टार्ट करते हैं। जी एक्स से मुझे एफ एक्स को डिवाइड करना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री। फोर एक्स की पावर फोर प्लस टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। एक्स स्क्वायर एक्स फोर करने के लिए फोर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगी, फोर एक्स की पावर फोर प्लस एट एक्स क्यूब माइनस ट्वेल्व एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस कैंसिल आउट, माइनस का सिक्स एक्स क्यूब प्लस का टेन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। माइनस के सिक्स एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर तो वही, तो माइनस सिक्स एक्स क्यूब हो जाएगा, माइनस का ट्वेल्व एक्स स्क्वायर प्लस का एटीन एक्स, सिक्स थ्री एटीन एक्स प्लस प्लस माइनस कैंसिल, ट्वेंटी टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवनटीन एक्स हो जाएगा, ये इसमें से माइनस हो जाएगा, माइनस 22 मतलब प्लस 22 से मुझे मल्टीप्लाई करेगा, 22 एक्स स्क्वायर प्लस 44 एक्स माइनस 66, माइनस माइनस प्लस, माइनस 61 एक्स प्लस 65। क्लियर? तो व्हाट इज आर एक्स, रिमाइंडर क्या है मेरा, माइनस 61 एक्स प्लस 65। देखिए रिमाइंडर मेरा माइनस में आया है, बोल दे एक मिनट ब्रैकेट बनाने के लिए करवा दिए, ये मेरा रिमाइंडर है माइनस का 61 एक्स प्लस का 65। अच्छा भाई ये मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना एक्सेस वैल्यू, तो ऐड ऑन करने के लिए माइनस का आर एक्स ले लें, व्हाट मस्ट बी एडेड, तो ये रहेगा 61 एक्स माइनस 65, जस्ट का रेसिप्रोकल। नाउ वी कैन से फॉर दिस व्हेन वी ऐड 61x माइनस 65 द रिजल्टेंट विल बी डिविजिबल बाय फुल नंबर। ठीक है चलिए एग्जाम में नंबर 11 लेते हैं। तो जब भी rx आइडेंट का क्वेश्चन हो इसे माइनस में ले लीजिएगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। इफ द पॉलीनोमियल fx, इफ द पॉलीनोमियल fx इक्वल टू x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलीनोमियल x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k, द रिमाइंडर कम्स आउट, रिमाइंडर कम्स आउट एक्स प्लस ए, सॉरी हाँ एक्स प्लस, फाइंड के एंड ए, फाइंड के एंड ए। तो अगेन आर एक्स जो भी आपका आएगा ये तो फुल्ली डिविजिबल बाई है। स्टार्ट करते हैं, और फुल्ली डिविजिबल मतलब रिमाइंडर मस्ट बी इक्वल टू जीरो। चलिए जो भी रिमाइंडर आएगा उसे मैं जीरो के इक्वल पुट कर दूंगा, जैसे एग्जांपल नंबर नाइन्थ में हमने किया था, टू की पावर फोर माइनस सिक्स एक्स क्यूब प्लस सिक्सटीन एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फाइव एक्स प्लस टेन। ठीक है चलिए स्टार्ट, एक्स स्क्वायर ऑलरेडी था, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर फोर हो जाएगा माइनस टू एक्स क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फोर एक्स क्यूब आ जाएगा माइनस का प्लस सिक्सटीन माइनस के एक्स स्क्वायर, मैंने कॉमन ले लिया इसमें से
माइनस 25x प्लस 10। अब माइनस का 4x से मल्टीप्लाई करेंगे, 4x क्यूब हो जाएगा, माइनस 4x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस का 4kx प्लस माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा 8 माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन ले लेंगे नेट 25 16 एक्स स्क्वायर 16 माइनस के एक्स स्क्वायर 16 हो जाएगा 8 माइनस के हो जाएगा 1 सेकेंड, मुझे रिमाइंडर भी तो ऑलरेडी ऐड करना पड़ेगा इसमें, मुझे रिमाइंडर मैंने ऐड ही नहीं किया। चलो मैं यहीं से ऐड कर लेता हूँ, एक्स जब ऐड करूँगा 25 से 26x हो जाएगा, रिमाइंडर मैंने ऐड ही नहीं किया, और माइनस का 10 माइनस रिमाइंडर, हाँ वो तो माइनस, अब प्लस माइनस माइनस तो जाएगा 10 माइनस ए। ठीक है, फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। व्हेन एफ एक्स डिवाइडेड बाय, मैं से जी एक्स मान लेता हूँ, व्हेन रिमाइंडर इज दिस, अगर मुझे फुली डिवाइड करना है तो रिमाइंडर सब्ट्रैक्टेड बिफोर। हाँ जैसे आपने माइनस का क्यों लिया, प्लस का क्यों नहीं? रिमाइंडर ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एफ एक्स, हम प्रीवियस क्वेश्चन में देख चुके हैं, मैंने लैंग्वेज को पूरा देखो। 27 when divisible by 5 left remainder 2, ये तो क्वेश्चन हुआ ये, when 27 divisible by 5 then left remainder 2, तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे रिमाइंडर तो हमें ऑलरेडी पता है, तो हम इस क्वेश्चन में रिमाइंडर क्यों निकाले, रिमाइंडर तो ऑलरेडी पता है ना खैर मुझे, फिर इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व क्यों करूं, पहले तो ये बताइए, रिमाइंडर ऑलरेडी गिवन है मुझे, सो रिमाइंडर ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इक्वेशन या पॉलिनोमियल एफ एक्स, ये आपको भी पता है, तो जब मैं उसे माइनस करूंगा तो ये माइनस एक्स और ये माइनस ए हो जाएगा, तो माइनस 26x हो जाएगा, जैसे तो मैं दोबारा कहा था लेकिन बहुत छोटा सा था पॉइंट, तो मैंने कहा तो यहीं मैं डिस्कस कर लूंगा, एडिट भी कर लूंगा यहाँ पे, तो ये जाएगा 26x प्लस 10 माइनस ए। नाउ फाइन, सो अब हम माइनस 26 आपका यहाँ आ जाएगा, माइनस का 4k आ जाएगा और x हम इसमें से अगेन कॉमन ले लेंगे, प्लस 10 माइनस ए, अब 8 माइनस के एक्स स्क्वायर है, यहाँ ओनली एक्स स्क्वायर, तो 8 माइनस के से हमें मल्टीप्लाई करनी होगी, प्लस 8 माइनस के से, तो ये जाएगा 8 माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस 16 माइनस 2k एक्स, 2 के अंदर मल्टीप्लाई रहेगी, इधर 2 है ओनली, ठीक है, प्लस 8 से करेंगे तो जाएगा 8k माइनस के स्क्वायर, व्हेन यू सबट्रैक्ट, मैं सबट्रैक्शन यहां लिख दे रहा हूं, तो दिस विल बी माइनस 10 प्लस 2k एक्स, इनको माइनस करेंगे तो हमें 10 जाएगा, ठीक है, प्लस 10 माइनस ए प्लस 8k और प्लस के स्क्वायर, ये मेरा लेफ्ट आउट आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशंस, क्लियर? नाउ यू कैन से दिस इज अ रिमाइंडर, बिकॉज अब हम ये एक्स स्क्वायर है और यहाँ टर्म एक्स में आ गई, दिस इज अ रिमाइंडर, बट रिमाइंडर तो नहीं आना चाहिए बिकॉज रिमाइंडर तो हम ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं, तो रिमाइंडर विल बी जीरो, सो दिस फुल रिमाइंडर विल इक्वल टू जीरो। नाउ फुल हमारा क्या बचा है आपका, माइनस 10 प्लस 2k x, वी ऑलरेडी सब्ट्रैक्टेड रिमाइंडर, सो रिमाइंडर विल बी जीरो, तो इन दिस केस पुट दिस वैल्यू इक्वल टू जीरो फॉर ऑल x, फॉर ऑल x,
प्रॉब्लम आ रही है. फॉर ऑल एक्स, ठीक है डन. इंटरनेट प्रॉब्लम थोड़ी क्लियर हो गई. चलो नाउ स्टार्ट. माइनस, अब एक्स का कोफिशियंट इधर क्या कोई नहीं तो जीरो, तो यू कैन से माइनस 10 प्लस 2 के इक्वल टू जीरो. देन के विल बी 5, ये 10 इधर जाके प्लस हो जाएगा, 2 अपॉन में आ जाएगा. चलिए मैं लिख देता हूँ 2k इक्वल टू 5, तो 10 देन के विल बी 5. नाउ नेक्स्ट इक्वेशन 10 माइनस a माइनस 8k प्लस k स्क्वायर इक्वल टू 0. k की वैल्यू क्या है 5, 5 8 5 जा 40 प्लस 5 का स्क्वायर 25. 10 माइनस a इक्वल टू 0. बॉड मास के अकॉर्डिंग चलेंगे देन a विल बी माइनस 5. So 25 plus 10, 35 minus 40, minus 5, minus a already है. अगर चलिए minus a, minus 5 equal to 0, then minus a equal to 5, yeah, you can say a equal to minus 5. So a और k हमने इसको ऐसे find out कर लिए. Now question, example number 12, I think last example है हमारे. If the polynomial 6x की पावर 4 प्लस 8x क्यूब प्लस 17x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 7 इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, द रिमाइंडर कम्स आउट ax प्लस b. द रिमाइंडर कम्स आउट ax प्लस b. Find a and b. Now we already have remainder. So why I'm doing like gx से मैं fx को divide करूँ फिर remainder लाऊँ? We already know remainder. अब remainder अगर मैं इसे subtracted कर देता हूँ, तो the remainder will be zero because remainder मैंने fx में से subtract कर दिया as previous question. So 6x की power 4 plus 8x cube 17x square plus 21x प्लस 7 माइनस ए एक्स माइनस बी. और दिस फुल इक्वेशन नाउ डिविजिबल बाय, बिकॉज रिमाइंडर माइनस कर दिया, तो दिस फुल इक्वेशन डिविजिबल बाय 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1. एंड दिस कैन इफ फुल्ली डिविजिबल देन रिमाइंडर विल बी 0. नाउ चेक करते हैं, तो हमें से 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो 3 2 जा 6x की पावर 4 प्लस 8x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 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 कैंसिल आउट, 8 में से गया कैंसिल आउट हो गया, 17 2 गया 15 एक्स स्क्वायर प्लस 21 एक्स प्लस 7, 3 5 जा 15 मींस प्लस 5 से कर देता हूँ, तो 3 5 जा 15 15 एक्स स्क्वायर, 5 4 जा 20 प्लस 20 एक्स, 5 1 जा 5, माइनस 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 कैंसिल आउट हो गया, सो विल बी एक्स प्लस 2. What is x plus 2? It is a remainder. This is a remainder. अब अगर मैं इसको as it question इसको ऐसे करके solve करता, तो मैं कह सकता था ये this is equal to this. मैं ये भी तो कह सकता था. तो मैं previous question से minus कर लेता. अगर minus करता तो उसको भी check करते हैं हम लोग. देखिए यहाँ से this will be 6x 4 plus 8x cube. बोथ मेथड बताए थे इसलिए मैंने प्रीवियस सॉल्व कर दिया. सिक्स प्रीवियस क्वेश्चन और ये न्यू 21x माइनस ए एक्स, तो x कॉमन ले लेंगे, तो दिस विल बी 21 माइनस ए और प्लस 7 माइनस बी. नाउ दिस विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3x स्क्वायर प्लस, अगर मैं प्रीवियस क्वेश्चन की तरह करता अदरवाइज न्यू फॉर्मूला क्या है, तो दिस इज अ रिमाइंडर एंड दिस इज अ रिमाइंडर, रिमाइंडर विल बी सेम, तो x प्लस 2 इक्वल टू ए एक्स प्लस बी. व्हेन वी कंपेयर दिस x फॉर x, तो a विल बी x का कोफिशियंट, यहाँ a है, यहाँ x का कोफिशियंट क्या है 1 और यहाँ b कॉन्स्टेंट का b इक्वल टू 2. तो 11 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी इसको माइनस करके आपको सॉल्व करा दिया, 12 क्वेश्चन
माइनस करके भी बताया यहाँ पे और प्लस करके भी बताया, ठीक है। तो ये ऐसे करके क्वेश्चन सॉल्व होगा, इसको फर्दर डिस्कस कर सकते हैं। इन प्रीवियस क्वेश्चन आर एक्स विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एफ एक्स, देन वी विल फाइंड द आंसर और देन इक्वल टू जीरो। इफ वी डू नॉट दिस, लाइक हम इसको ए एक्स माइनस बी को माइनस नहीं करें, तो मीन्स जो भी रिमाइंडर आएगा वो इन दोनों के इक्वल होगा। एक बार करके देखें, चलिए एक बार मैं करा भी देता हूँ क्वेश्चन ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। सी, थोड़ा सा लेंथी होगा क्वेश्चन बट सॉल्व हो जाएगा। 3x² प्लस 4x प्लस 1 जाएगा आपका 6x की पावर 4 प्लस 8x³, बिकॉज बोथ किसी भी टाइप से करें, बोथ टाइप ऑफ क्वेश्चन राइट, ऐसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं। 7, नाउ ए एक्स प्लस बी माइनस ए एक्स प्लस बी का मतलब माइनस बी हो जाएगा। चलिए पहले सब्ट्रैक्ट ही कर लेते हैं, 21x और 7 और ये बन जाएंगे, तो चलिए ये हो जाएगा 6x⁴ प्लस 8x³ प्लस 17x² प्लस x कॉमन ले लेंगे तो ये जाएगा 21 माइनस ए और यहाँ प्लस 7 माइनस बी हो जाएगा, सिंपली प्लस 7 माइनस बी। और इस होल को हम डिवाइड करेंगे 3x² प्लस 4x प्लस 1। ये प्रीवियस 11th एग्जाम्पल की तरह सॉल्व कर रहे हैं इसे, और वो हमने 12 बुक के अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर दिया है ना आपके। अब इसके तो 3 2 6 2x² 3 2 6 x 4 प्लस 4 2 8 x³ और प्लस 2x² और दिस इज सब्ट्रैक्टेड, कैंसिल आउट कैंसिल आउट, 17 हो गया 15x² प्लस x 21 माइनस ए प्लस 7 माइनस बी। नाउ 15x² के लिए प्लस 5 से मल्टीप्लाई, तो 15x² 5 3 15x² प्लस 5 4 20x एंड प्लस 5 1 5। चलिए माइनस 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 कैंसिल आउट। अब मुझे माइनस करना है, इसको मैं एक्स कॉमन ले लूं, जैसे ही मैं एक्स कॉमन लूंगा दोनों में तो जाएगा 21 माइनस ए माइनस 20, ये प्लस माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा 7 माइनस बी माइनस 5। नाउ ये x² है, x की टर्म है, नाउ दिस इज नोन एज द रिमाइंडर, और रिमाइंडर केस में क्या करना है, दिस इक्वेशन इक्वल टू जीरो, तो x 21 माइनस ए माइनस ये कोफिशिएंट ऑफ x इज आल्सो इक्वल टू जीरो, तो ये 20 और 21 सॉरी कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू जीरो, x तो हमें लेना ही होगा, यहाँ 1 बचेगा तो a will be 1, क्लियर। नाउ b के केस में क्या देखेंगे, b तो 7 माइनस 5 तो माइनस बी, 7 माइनस 5 प्लस 2 इक्वल टू 0, माइनस बी इक्वल टू माइनस 2, देन b विल बी 2। बोथ द आंसर लाइक इन प्रीवियस क्वेश्चन एंड इन दिस, इन प्रीवियस मेथड a इक्वल टू 1 इन b इक्वल टू 2। नाउ क्लियर,